जय हिंद ऑल कैंडिडेट्स। एंड जो हम सभी को इंतज़ार था कि इंडियन नेवी अपनी भर्ती कब निकालेगी, तो इंडियन नेवी MR ने अपनी भर्ती निकाल दी है। तो इसके लिए जो फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन है, वो आज रिलीज़ किया गया है और ये अप्रैल 2022 बैच के लिए ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो इसके लिए पहले देखते हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी जो अपनी 10th जो लेवल की एग्जामिनेशन है वो इसकी जो रखी गई है वो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, और इसके लिए जो वैकेंसीज है वो कितनी है, वैसे टोटल तो 300 वैकेंसीज है, लेकिन इसमें 1500 कैंडिडेट्स को 10th के मार्क्स के आधार पर उनको बुलाया जाएगा और उनका रिटर्न एग्ज़ाम और PFT करवाया जाएगा, और उसके बाद उनको उनमें से जो उनकी कट ऑफ बनेगी उनमें से 300 कैंडिडेट्स को छांटा जाएगा। ठीक है, और जो इसमें जॉब है जो किस किस चीज़ के लिए है तो वो भी बता देते हैं। तो वो है, एक तो है सेफ के लिए, एक है स्टीवर्ड के लिए और एक है हाइजीनिस्ट के लिए। ठीक है, और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो कितना रहेगा, तो ये रहेगा 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2005 तक, मतलब ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड है। तो ये लोग इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपने पे एंड अलाउंस और प्रमोशन और प्रक्यूसाइट्स है एंड इंश्योरेंस, तो इसमें 50 लाख का जो होता है वही है। और इसमें जो रिटर्न टेस्ट है वो किस में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। एंड दो सेक्शन होंगे इसमें, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज का अलग से। ठीक है, एंड 10th लेवल की जो इसमें जो सिलेबस है वो रहता है। एंड ज़्यादा आपको जानना है तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी GOV.in इस साइट पे आप इसका सिलेबस जान सकते हैं। और जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो कितनी देर का होगा, वो होगा 30 मिनट का, यानी जो कि ड्यूरेशन है 30 मिनट का एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर रिटन एग्ज़ाम वुड बी सब्जेक्टेड टू PFT ऑन द सेम डेट, यानी सेम उसी दिन आपकी PFT होगी, यानी जो जिस दिन रिटर्न होगा उसी दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसी दिन आपकी PFT हो जाएगी। ठीक है, और PFT में क्या करवाया जाएगा, PFT में अगर आप उसके लिए सिलेक्शन के लिए PFT मैंडेटरी है। ठीक है, और उसके लिए आपको PFT के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 7 मिनट के अंदर। ठीक है, और 7 मिनट के अंदर उसके रनिंग करनी है, 20 उठक बैठक करनी है और 10 पुशअप्स होंगे। ठीक है, एंड आगे जो मेरिट लिस्ट है वो स्टेट टू स्टेट निकलेगी, यानी स्टेट वाइज मेरिट निकलेगी। ठीक है, एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स है 157 सेंटीमीटर जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम वो होनी चाहिए। ठीक है, एंड आगे बेटर आई 6x6 होना चाहिए, कोई टैटू नहीं होना चाहिए। और ट्रेनिंग है वाइनस चिल्का में होगी, और कब से स्टार्ट होगी, अप्रैल 2020 में स्टार्ट होगी, और 12 वीक्स की बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो होगी। ठीक है, और अगला क्या है, अगले में अपने कुछ देखते हैं, अगले में क्या है कि इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म है, जो फॉर्म इसका ऑनलाइन ही फिल होगा। ठीक है, अभी ऑनलाइन फिल होगा, और उसकी जो साइट है वो क्या, joinindianavy.gov.in। ठीक है, और इसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे एंड ऑनलाइन फिल करना है, एंड मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड NCC सर्टिफिकेट अगर है तो आप उसमें उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो इनरोलमेंट मेडिकल है वो INS चिल्का के अंदर होगा, और रिटर्न एग्जामिनेशन है वो भी इसका जो कहाँ पर होगा, INS चिल्का के अंदर होगा। ठीक है, अगर आपका उन 1500 कैंडिडेट्स में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, और आगे क्या है, आगे है कि द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट इन एंड March 2022, यानी जो कि मेरिट लिस्ट है, यानी जो लास्ट में मेरिट लिस्ट निकलेगी वो कब तक आएगी, एंड March 2022 तक आ जाएगी। ठीक है, एंड आगे देखते हैं, आगे इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, वही रिटर्न एग्ज़ाम होगा और 10th के जो लेवल है वही होगा। एंड आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वही आपको मैंने बता दिया है, एंड जो वेबसाइट है वो भी बता दी है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको उसमें सबमिट करने पड़ेंगे, एंड फोटोग्राफ्स है वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला इसमें लास्ट डेट बता रखी है, लास्ट डेट है 2 नवंबर, यानी 2 नवंबर को आपकी इस फॉर्म की लास्ट डेट है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, 2 नवंबर ही इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 2 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इंडियन नेवी ने जो निकाली है मेट्रिक रिक्वायर्ड यानी MR के लिए अप्रैल 2020 बैच है, और इसके लिए आप फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।